हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका बिजनेस सेगमेंट और फंडामेंटल्स दोनों ही हमें स्ट्रांग देखने को मिल जाते हैं, और दोनों ही स्टॉक में दोस्तों हमें फ्यूचर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी स्टॉक में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूरी पता होना चाहिए उसका बिजनेस आने वाले कम से कम 10 से 15 सालों तक ग्रोथेबल हो, यानी ग्रोथ करने वाला हो। इसलिए दोस्तों, इन दोनों स्टॉक के बारे में जो बताने वाला हूँ, ये दोनों स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और अभी भी दोस्तों इसमें ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। जिसमें हमारा जो पहला स्टॉक है दोस्तों, वो मात्र 14 रुपये 86 पैसे का रहने वाला है, और जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों, वो ईवी सेक्टर्स के अंदर काम करता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, इन दोनों स्टॉक की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही दोस्तों, जो लोग नए हैं या जो पहले से हमारी वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें अपने पहले पेनी स्टॉक के बारे में, जिसने एक दिन में 7.76% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने निवेशकों को, और लास्ट 5 दिनों की बात की जाए तो 12% का इसका रिटर्न रहा है। लास्ट 1 मंथ में 37% का रिटर्न, और लास्ट 6 मंथ की बात की जाए तो 40.32% का रिटर्न। लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो 18.98% का रिटर्न, और लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो 212% का मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिया है अपने निवेशकों को, और मैक्स में दोस्तों 194% का इसका ऑल टाइम रिटर्न रहा है। दोस्तों, इसका फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप हमें 371 करोड़ का देखने को मिल जाता है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस 14.90 रुपये का है, हाई इसका 19.30 रुपये का लगा था, 52 मिक लो इसका, 7.25 रुपये का स्टॉक भी 50 के पास देखने को मिल जाता है, जबकि ROCE ROE इसका 11% से ऊपर है, ROE इसका 8% से ऊपर है। डिविडेंड दोस्तों ये नहीं देती है। इंडस्ट्री पी इसका 28 का है, डेब्ट टू इक्विटी के हिसाब से देखा जाए तो 0.02 का है। इस हिसाब से दोस्तों ये डेब्ट फ्री कंसीडर किया जा सकता है इस कंपनी को। रिजर्व कंपनी के पास 65 करोड़ का है, इस हिसाब से भी दोस्तों कंपनी को डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। टोटल एसेट्स इसका 95 करोड़ का है। प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं है, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। साथ ही दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 62% से ऊपर है, जो कि एक पेनी कैटेगरी का आता है स्टॉक, लेकिन इसमें 62% के पास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। प्रमोटर्स इसमें बरकरार है। और सेल्स ग्रोथ की दोस्तों बात की जाए तो 4.54% का इसका सेल्स ग्रोथ है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसमें 317% के पास देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। पैग रेशियो के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो अभी हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल जाता है, 0.62 का इसका पैग रेशियो है। इस हिसाब से भी दोस्तों इसमें हम अंडर वैल्यूड कंसिडर कर सकते हैं। अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं होता पीई कम हो या और भी चीज़ें कम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियाँ ग्रोथेबल होती हैं, उसके पीई कम होती ही नहीं है, तो उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम दे करके अंडर वैल्यूड स्टॉक हम चुन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी ऐसी होती है जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनाकर देती है, लेकिन उसका पी कभी कम ही नहीं हुआ है, हमेशा 50 या 60 या 100 के ऊपर ही रहा है, लेकिन दोस्तों उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, पी एक नंबर का नाम है। क्योंकि दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं, इसका मेडन पी दोस्तों 62% से ऊपर है, यानी कि मेडन पी इसका 62% रहा है, जबकि इसका पी जो है 50 का ही है। इस हिसाब से भी दोस्तों देख सकते हैं कि अपने मेडन पी से सस्ते प्राइस में मिल रहा है, तो ये भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और हाल ही में इसका Q4 के रिजल्ट भी आए हैं। साथ ही दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो मार्च 2021 में 42.02 करोड़ का इसका सेल्स जनरेट हुआ था, जबकि मार्च 2024 में 50.70 करोड़ का इसका सेल्स जनरेट हुआ है। हालांकि इसके पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो इसका क्वार्टर्स इस रिजल्ट में ये इसका बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में इसका 49.97 करोड़ का इसका सेल्स जनरेट हुआ था, जो कि बढ़कर 50.70 करोड़ के पास हो गया है। तो क्वार्टर्स में कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाया है। और साथ ही दोस्तों, ईयर ऑन ईयर के बेस पर देखा जाए, यानी कि PNL चेक किया जाए तो मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स जो था 41 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर मार्च 2024 में 165 करोड़ का हो गया, जबकि लास्ट ईयर इसमें मार्च 2023 में 158 करोड़ का देखने को मिला था। तो इस हिसाब से भी दोस्तों ईयर ऑन ईयर के बेस पर भी कंपनी ने अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, और फ्यूचर में दोस्तों हमें अच्छी खासी इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों इसका OPM भी 2% से बढ़कर 6% के पास हो गया, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसने अपना बढ़ाया है, तो वो कंपनी कमाई कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक किया जाए दोस्तों तो मार्च 2013 में 0 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, और यहाँ भी 0 करोड़, फिर आगे हमेशा 0 करोड़ ही इसका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया फिर, और मार्च 2024 में इसका 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक को लेकर के।
साथ ही दोस्तों कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 10 ईयर में 11% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में 51% के पास रहा है, और TTM में 5% के पास इसका सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसमें TTM में 317% के पास देखने को मिला है, जो कि बढ़िया है। स्टॉक प्राइस CAGR भी दोस्तों पॉजिटिव है। ROE की बात की जाए तो लास्ट 10 ईयर में 4% का और लास्ट ईयर इसमें 9% का हो चुका है, यानी कि ROE भी इसकी इंक्रीज हुई है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों कंपनी का रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी ने मार्च 2024 में 65 करोड़ के पास इसका रिजर्व है, जबकि मार्च 2023 में 58 करोड़ के पास था, यानी कि लास्ट ईयर से इसने अपने रिजर्व को भी बढ़ाया है। और बॉरविंग की बात की जाए तो मार्च 2023 में कंपनी का कर्जा 7 करोड़ का हुआ करता था, जो कि मार्च 2024 में घटकर 2 करोड़ का हो गया, यानी कंपनी ने अपने कर्जे को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ना के बराबर ही कर्जा है। तो इस हिसाब से भी दोस्तों इसे हम डेब्ट फ्री ही कंसिडर कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी कमाई करेगी, अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाएगी, और उम्मीद किया जा सकता है दोस्तों कि आगे डिविडेंड देना भी शुरू कर दें। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो सितंबर 2023 में 62% के पास इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, जबकि दिसंबर 2023 में बढ़कर 62.45% के पास हो गई, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, जबकि FIIs की होल्डिंग 4.32% के पास देखने को मिल जाती है दिसंबर 2023 में, और पब्लिक के पास 33.24% के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी दोस्तों ये कंपनी हमें मजबूत देखने को मिल जाती है, क्योंकि 62% के पास तो इसमें प्रमोटर्स ही है, तो जो रिस्क है दोस्तों प्रमोटर्स के ऊपर रहने वाली है। दोस्तों इस स्टॉक का नाम है आशापुरी गोल्ड ऑर्नमेंट लिमिटेड, जो कि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है गोल्ड ऑर्नमेंट आर्टिकल्स एंड वीरियस डिजाइन में, यानी कि सोने की जो ज्वेलरी होती है दोस्तों उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल में दोस्तों नेकलेस, बैंगल्स, ब्राइडल ज्वेलरीज, चोकर्स, पेंडेंट सेट जैसे प्रोडक्ट इसके नज़र आ जाते हैं, यानी कि इन चीज़ों को दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। साथ ही दोस्तों कंपनी के क्लाइंटेल की बात की जाए तो तनिष्क, मालाबार गोल्ड डायमंड्स, ज्यूलखा, ललिता, TVZ, श्री कृष्णिया चेठी, बीमा जैसी कंपनियां इनकी क्लाइंटेल हमें नज़र आ जाती हैं, यानी कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी दोस्तों हमें देखने को मिल जाती है, जो कि तनिष्क है, मालाबार गोल्ड है, इन सब कंपनियों के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा। साथ ही दोस्तों कंपनी का ऑर्डर बुक की बात की जाए, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात होता है किसी भी कंपनी का ऑर्डर बुक, साल 2024 में दोस्तों कंपनी ने रिसीव किया है 41 करोड़ का ऑर्डर बुक, जो कि सप्लाई ऑफ एंटिक गोल्ड ज्वेलरी का है। तो दोस्तों ये भी एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक को लेकर, फ्यूचर में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल लगता है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में इसने एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिया है। तो कोई भी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म के पर्पस पे ही हमें बाई करना चाहिए, तभी जाके उसमें हमें अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों इसके टेक्निकल्स की बात की जाए, फंडामेंटल MC शॉर्ट के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ हमें 14 के पास देखने को मिल जाता है, जबकि MC सेंट्रियल 69% पास है, जो कि एक ज़बरदस्त होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और साथ ही दोस्तों कंपनी के डिलीवरी और वॉल्यूम की बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ में 24 लाख का इसमें वॉल्यूम नजर आया था, जबकि 1 वीक में 57 लाख का, यस्टरडे इसमें 37 लाख, और टुडे में दोस्तों 1 करोड़ का इसमें वॉल्यूम नज़र आया है। तो दोस्तों गैप आप देख सकते हैं 37 लाख से सीधा 1 करोड़ इसमें वॉल्यूम नज़र आया है, और ये वॉल्यूम दोस्तों इसके Q4 रिजल्ट आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि इसका Q4 रिजल्ट जो आया है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। तो जब भी कोई कंपनी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो उसमें हमें अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई बाई का रिकमेंड नहीं है, आप किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि रिस्क आप सबका रहने वाला है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाई जाती है। दोस्तों बात करें अपने दूसरे स्टॉक के बारे में, जो कि 178.20 रुपये के पास हमें देखने को मिल जाता है, और इसमें एक दिन में दोस्तों 0.17% का नेगेटिव हमें देखने को मिला, यानी कि डिस्काउंट देखने को मिला है। और लास्ट 5 दिनों की बात की जाए तो 3.33% का रिटर्न बनाकर दिया है इसने, और लास्ट 1 मंथ में 11% का रिटर्न दिया है इसने, और 6 मंथ की बात की जाए तो 1.37% का रिटर्न रहा है, और लास्ट 1 ईयर की बात की जाए दोस्तों तो 4.17% का डिस्काउंट देखने को मिला है, और लास्ट 5 ईयर में 101% का रिटर्न बनाकर दिया है इसने, और मैक्स की बात की जाए दोस्तों तो 7,784% का इसका मल्टी बैगर रिटर्न रहा है, जो कि एक शानदार रिटर्न है। तो दोस्तों इसके ग्राफ पे एक नज़र रखें तो 9 अप्रैल 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2024 तक कंपनी ने 290% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने निवेशकों को, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न है। इसने सिर्फ 4 सालों में ही अपने निवेशकों का पैसा लगभग 4 गुना कर दे चुकी है, और साथ ही दोस्तों EV बस बनाने का काम करता है, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये स्टॉक है। तो फ्यूचर में दोस्तों हमें अच्छी खासी इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों एक नज़र इसके फंडामेंटल्स पे हम नज़र रखें तो इसका मार्केट कैप हमें 52,369 करोड़ का देखने को मिल जाता है, जबकि करंट प्राइस 178 रुपये का है। 52 वीक हाई इसका 192 रुपये का, 52 वीक लो इसका 136 रुपये का है। स्टॉक भी दोस्तों 22.2 का देखने को मिल जाता है, जबकि इसका इंडस्ट्री भी 35.6 के पास है। तो ये अपने इंडस्ट्री पीस के हिसाब से अभी इसका स्टॉक भी कम है, तो इस हिसाब से भी दोस्तों ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यू देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसकी ROC और ROE की बात की जाए तो ये भी हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। ROC इसका 11% से ऊपर है, जबकि ROE इसका 15% के पास है। डेट टू इक्विटी दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, 3.87 के पास है रिजर्व, जबकि इसके पास 85 करोड़ के पास देखने को मिल जाता है डेप्ट। इस कंपनी के ऊपर 34,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे डेब्ट के मामले में रिस्की रहने वाला है। साथ ही दोस्तों कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात किया तो 18% के पास इसका सेल्स ग्रोथ है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 218% के पास है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 51% के पास देखने को मिल जाती है। कंपनी के क्वार्टर्स रिजल्ट की बात की जाए तो दिसंबर 2020 में कंपनी ने 5954 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 8142 करोड़ के पास हो गया। और अभी दोस्तों इसमें दिसंबर 2023 में 11093 करोड़ के पास सेल्स देखने को मिल जाता है, यानी कि अभी तक कंपनी ने अपने सेल्स को डबल कर चुकी है, जो कि एक शानदार है प्लस पॉइंट है इस स्टॉक को लेकर के। और साथ ही दोस्तों कंपनी के पीएनएल की बात की जाए तो मार्च 2014 में कंपनी ने 11859 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था, जो कि मार्च 2015 में बढ़कर 15000 करोड़ के पास हो गया, फिर मार्च 2016 में 21000 करोड़ के पास, और अभी दोस्तों इसमें TTM में 45000 करोड़ के पास देखने को मिल जाता है, जबकि मार्च 2023 में 41000 करोड़ के पास। तो इसने शुरू से लेकर अभी तक अपने सेल्स को पीएनएल में दोस्तों अपने सेल्स को 4 गुना कर चुकी है। तो दोस्तों कंपनी सेल्स के मामले में हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। तो सेल्स के मामले में दोस्तों कोई भी नेगेटिव साइन इसमें नहीं है, सारा प्लस पॉइंट है इसमें। और साथ ही दोस्तों कंपनी शुरू शुरू में लॉस भी बुक कर रही थी, -222 करोड़ का, -205 करोड़ का, फिर पॉजिटिव इसमें नेट प्रॉफिट जनरेट किया 712 करोड़ का, फिर 1633 करोड़ का, फिर 1814 करोड़ का, फिर 2195 करोड़ तक अपनी नेट प्रॉफिट को बढ़ाई थी। कंपनी ने लगातार 4 साल ग्रोथ किया, फिर उसके बाद इसमें नेट प्रॉफिट थोड़ा सा हमें कम नज़र आया 460 करोड़ का, फिर इसमें 2 साल कंपनी ने लॉस बुकिंग किया और उसके बाद से 1362 करोड़ का पॉजिटिव इसमें नेट प्रॉफिट जनरेट होता हुआ देखने को मिल गया। और अभी दोस्तों TTM में 2565 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुकी है। और डिविडेंड दोस्तों लास्ट ईयर इसमें 65% का डिविडेंड पे आउट किया था, और कंपनी के EPS भी दोस्तों बढ़े हुए हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर में 7% का इसका सेल्स ग्रोथ रहा, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ -7% का देखने को मिल जाता है। और TTM में 18% के पास इसका सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 218% के पास है। स्टॉक प्राइस CAGR भी दोस्तों पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, जबकि ROE की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर में 9% से बढ़कर लास्ट ईयर इसमें 15% के पास हो गया, यानी कि ROE भी इसकी बड़ी है। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.53% के पास थी, जबकि FIIs की होल्डिंग 20.48% के पास है, DIIs की होल्डिंग 14.66% के पास, और गवर्नमेंट की दोस्तों 0.07% के पास, पब्लिक के पास दोस्तों 13.25% के पास हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि मोस्टली इसमें पब्लिक देखा जाए तो बहुत ही कम है, रिटेलर्स कम है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की इसमें पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, तकरीबन 34% के पास इसमें FIIs और DIIs का भी पैसा लगा हुआ है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में दोस्तों मोटा पैसा लगा हुआ है, फ्यूचर में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी दोस्तों इन्वेस्टर्स जो होते हैं फ्यूचर FIIs और DIIs होते हैं दोस्तों काफ़ी रिसर्च के बाद किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, तो इतने मोटे अमाउंट में दोस्तों FIIs और DIIs जो लेकर बैठी हुई है तो ये पागल नहीं है, ये समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों। इसलिए किसी भी कंपनी में जब अच्छी खासी ग्रोथ है उसमें देखने को अपॉर्चुनिटी होती है तभी जाके वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मोस्टली देखा जाए तो पब्लिक के पास दोस्तों सिर्फ 13% के पास ही है, तो हम जैसे रिटेलर्स जो है दोस्तों इस कंपनी से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अच्छे से रिसर्च करने के बाद से किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के पर्पस पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि इस कंपनी ने करके दिखाया ऑल टाइम दोस्तों 7000+ मल्टीपल रिटर्न बना कर दिया है अपने निवेशकों को। दोस्तों इसके टेक्निकल्स पे नज़र रखें तो इसका MC शॉर्ट इसका स्ट्रेंथ हमें 10 के पास देखने को मिल जाता है, जबकि MC सेंट्रल इसका 47% पास है, जो कि बढ़िया है। और साथ ही दोस्तों एक्सपर्ट की रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 45% एक्सपर्ट ने अपना सुझाव दिया कि बाई करना चाहिए, जबकि 16% एक्सपर्ट ने बताया कि आउट परफॉर्म कर रहा है, और 21% ने बताया कि होल्ड करना चाहिए, जबकि 13% ने बताया कि अंडर परफॉर्म है, और 5% एक्सपर्ट ने बताया कि सेल करना चाहिए। तो बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड लिमिटेड, और अशोक लीलैंड कंपनी दोस्तों हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी है, जिसकी घरेलू मध्यम भारी वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट में लंबे समय से उपस्थित है। कंपनी के पास देश भर में एक मजबूत ब्रांड है और अच्छी तरह से विविध वितरण और सेवा नेटवर्क है, और 50 देशों में इसकी उपस्थिति है। यह सबसे पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स दोस्तों इसका चेन्नई में है। और साथ ही दोस्तों कंपनी पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों पर प्रबंधन करते हैं, और स्थापना के बाद से 8 लाख से अधिक ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया है इस कंपनी ने। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो इसकी सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी है वो EV बस बनाने का काम करती है, यानी कि अशोका लीलैंड की ही सहायक कंपनी है, जिसमें स्विच E1 बस बनाने का काम करती है, साथ ही स्विच EV12 बस बनाने का काम करती है। और साथ ही दोस्तों ये कंपनी डबल डेकर बस स्विच EIV22 बस बनाने का भी काम करती है दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही अपना कदम जमा चुकी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दोस्तों ये बसेस बनाने का काम करती है। साथ ही दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की बात की जाए तो कमर्शियल व्हीकल्स इसका 88% का रिवेन्यू जनरेट होता है, जबकि फाइनेंशियल सर्विस से 12% का। जियोग्राफिकल इस रिवेन्यू स्प्लिट की बात की जाए तो इंडिया में दोस्तों 89% का रिवेन्यू जनरेट करती है, जबकि आउटसाइड इंडिया से 11% का रिवेन्यू आता है।
तो दोस्तों इन दोनों स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों वीडियो को जिन्होंने आज तक देख लिया और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।